इस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टोरी द स्टफ्ड ट्राउट की समरी को. इस वीडियो में अब हम इसी कहानी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन है, ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द स्टफ्ड ट्राउट. ह्यूमर से मुराद है मजाक, और इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि द स्टफ्ड ट्राउट कहानी जो है उसमें मजाक का जो अंसर है उसे नुमायाँ करें, यानी उसमें क्या बातें थीं जो कि मजाहिया थीं. तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले आप बताएंगे कि इस कहानी में जो मजाक का अंसर था, द ह्यूमर वॉज रिच एंड प्लेंटीफुल, यानी ये कहानी जो है वो मजाक से भरपूर थी. और फिर आप ये बताएंगे कि एवरी नेक्स्ट नरेटर टुक अ स्टेप फॉरवर्ड इन टेलिंग अ फिशी स्टोरी. नरेटर कहते हैं जो किसी नैरेटिव को यानी कहानी को लिखता है या सुनाता है. तो इस कहानी में भी जब मुसन्निफ और उसका दोस्त एक सराय में ठहरे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है उनके पास एक एक करके आते हैं और उन्हें फिशी स्टोरी यानी घुमा फिरा कर कोई ना कोई किस्सा सुनाते हैं उस ट्राउट मछली से मुतालिक जो कि उसी कमरे में एक शीशे के डब्बे के अंदर मौजूद होती है. और उनमें से हर एक शख्स ये दावा करता है कि दरअसल उस मछली को उसी ने पकड़ा था और अपनी बात को यकीनी बनाने के लिए वो उसके वज़न के मुतालिक भी बताता है. तो इनमें से हर एक शख्स की कहानी जो है दूसरे से मुख्तलिफ होती है, हत्ता कि मछली का जो वज़न है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. जैसे कि यहाँ लिखा है, ईच कम्स अप विद डिफरेंट मीन्स ऑफ कैचिंग फिश, यानी उनमें से हर एक मुख्तलिफ तरीका बताता है कि जिसके ज़रिए उसने उस मछली को पकड़ा था. यहाँ तक के वो ये भी बताते हैं, इवन द वेट एस्टिमेट्स आर डिफरेंट, यानी उनके उनमें से हर शख्स के बताए गए जो उस मछली के वज़न से मुतालिक अंदाजे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं. और ये सब बहादुरी के किस्से सुनकर मुसन्निफ और उसका दोस्त जो होता है वो बहुत हैरान होते हैं और उस मछली में उनकी जो दिलचस्पी है वो और भी बढ़ जाती है. और इसके बाद मोस्ट अम्यूजिंग यानी सबसे मज़ेका खेज बात जो होती है वो आखिरी सीन में, लास्ट सीन में होती है, जिसमें क्या होता है, ऑल स्टोरीज आर एक्सपोज, सारी कहानियाँ जो हैं उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है. बल्कि इन तमाम लोगों के जाने के बाद उस सराय का जो मालिक है वो ख़ुद आकर मुसन्निफ और उसके दोस्त को बताता है कि दरअसल वो मछली जो है ख़ुद उसने अपने लड़कपन में पकड़ी थी जब वो स्कूल जाया करता था. लेकिन आखिर में इन तमाम कहानियों का राज कैसे खुलता है, जब मुसन्निफ का दोस्त जॉर्ज जो है वो कुर्सी पर चढ़कर उस मछली को करीब से देखने की कोशिश कर रहा होता है तो कुर्सी फिसल जाती है और जो ही वो उस शीशे के डब्बे पर हाथ डालता है कि जिसमें वो मछली रखी गई होती है तो क्या होता है, द फिश फॉल्स डाउन एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. वो मछली टूटकर छोटे छोटे प्लास्टर ऑफ पेरिस के टुकड़ों में बट जाती है, क्योंकि दरअसल वो सचमुच की मछली नहीं होती बल्कि उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया होता है जो कि एक सफ़ेद से सीमेंट की मानंद होता है जिससे मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे वगैरह बनाए जाते हैं. अब चूंकि गो के वो जो मुसन्निफ है और उसका दोस्त वो तो उन किस्सों से खूब महसूस हो रहे होते हैं और हैरान भी हो रहे होते हैं, लेकिन इस कहानी को पढ़ने वाला शख्स जो है वो इसमें मौजूद मजाक को अच्छी तरह से भांप सकता है कि यकीनन हर शख्स अपनी तरफ से कोई ना कोई कहानी गढ़ रहा होगा और उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा होगा और वो कितनी आसानी से उनकी बातों को मान रहे होते हैं, बेवकूफ़ बन रहे होते हैं. तो लिहाजा इस बात पर खासी हंसी आती है. बल्कि सबसे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज बात यह होती है कि उस सराय का मालिक तक ये दावा कर देता है कि दरअसल ख़ुद उसी ने वो मछली पकड़ी थी, लेकिन बिलाखिर पता ये चलता है कि वो तो सचमुच की मछली थी ही नहीं. तो लिहाजा इन पॉइंट्स की मदद से आप मुकम्मल जुमलों की सूरत में अपने जवाब को लिखकर इस बात को साबित कर सकते हैं कि किस तरह से द स्टफ ट्राउट कहानी जो है उसमें ह्यूमर यानी मजाक का अंसर पाया जाता है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, यानी इस कहानी के जो मुख्तलिफ किरदार हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है. तो इस सवाल के जवाब में आप इस तरह से कह सकते हैं, इस पॉइंट को आप शामिल कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग एंड जॉली, यानी इस कहानी के जो किरदार हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं और बहुत ही मजाया हैं, जबकि उनके मुकाबले में द राइटर एंड हिज फ्रेंड जॉर्ज आर सिंपल. जो मुसन्निफ है कहानी का वो और उसका जो दोस्त है वो बड़े ही सादा मिजाज हैं, क्योंकि
अदर कैरेक्टर सीम टू बी वेरी स्किलफुल लायर्स, क्योंकि वो बाकी जितने भी किरदार उस कहानी में आते हैं वो बड़ी ही चालाकी से झूठ बोलना जानते हैं और आसानी से इन दोनों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो इन मुख्तलिफ किरदारों के मुतालिक ये भी पता चलता है, शोज द अर्ज इन मैन टू इम्प्रेस अदर्स, तो उन किरदारों के मुतालिक ये पता चलता है कि इंसान के अंदर जो ये हिस होती है दूसरों को मुतासर करने की, वो किस कदर उनमें ज़्यादा पाई जाती है कि ख़ुद को मोतबर और अहम बताने के लिए वो झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। जैसे कि माचो मैन की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी जब मर्द हजरात अपनी मर्दानगी और दिलेरी से मुतालिक बढ़के मारते हैं या फिर इस अंदाज़ में उठते बैठते या चलते हैं जैसे कि वो बहुत ही ताकतवर और दिलेर हों। बल्कि ओनर ऑफ इन टेल्स द ग्रेटेस्ट लाई एंड प्रोवाइड्स फन, यानी कि उस सराय का जो मालिक होता है वो बाकी सबसे बढ़कर झूठ बोलता है और पढ़ने वालों के लिए सूरत हाल खासी मज़ाक़ खेज हो जाती है, यानी दिलचस्प हो जाती है और मज़ाहिया भी, क्योंकि मुसन्निफ़ और उसका दोस्त जो है वो बड़ी मासूमियत के साथ उनके तमाम किस्सों पर और झूठे दावों पर गोया यकीन कर रहे होते हैं और ये अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा शख्स जो है सच बोल रहा होगा। लेकिन दरअसल आखिर में ये पता चलता है कि वो मछली जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है और वो सचमुच की मछली नहीं होती। तो इस बात से ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्योंकि ख़ुद को नुमाया बताने वाले जो किरदार हैं कहानी में वो ज़्यादा हैं, जबकि सादा और मासूम फितरत लोग सिर्फ दो ही बताए गए हैं जो कि मुसन्निफ़ और उसका दोस्त है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों की नज़र में ख़ुद को अहम बताना चाहते हैं, और इस किस्म के लोग जो हैं बड़े चलाक होशियार भी होते हैं और ख़ुद से अपने पास से झूठ घड़ के या फिर बड़े बड़े दावे करके लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज जेरोम के जेरोम कम्बाइन सेंटिमेंट विद ह्यूमर इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी के लिखने वाले शख्स ने यानी जेरोम के जेरोम ने किस तरह से इस कहानी के अंदर सेंटिमेंट यानी जज्बात को ह्यूमर यानी मजाक के साथ मिलाकर पेश किया है। तो इस सवाल के जवाब को लिखने के लिए आप इस किस्म के पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि राइटर कम्बाइन सेंटिमेंट विद ह्यूमर इन एन आर्टिस्टिक मैनर, यानी लिखने वाले ने इस कहानी में जज्बात और मजाक को बड़ी फ़नी महारत के साथ मिला जुलाकर पेश किया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस बात को वाज़े करने के लिए आप इन पॉइंट्स को शामिल कर सकते हैं कि किस तरह से नैरेटर एंड हिज फ्रेंड यानी कहानी लिखने वाला और उसका दोस्त जो है वो जब सराय में दाखिल होते हैं तो मछली को देखकर वो बहुत क्या होते हैं, क्यूरियस एंड एक्साइटेड अबाउट द फिश, उस फिश से मुतालिक वो खासे तजस्सुस का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी ले रहे होते हैं। तो लिहाजा एक तरफ तो लिखने वाले ने उनके तजस्सुस और दिलचस्पी को पेश किया है और इसके जवाब में साथ ही उसने एक एक करके उन लोगों को शामिल किया है कहानी में जो कि इस तजस्सुस को देखते हुए बढ़ चढ़कर झूठे दावे करते हैं, जिससे कहानी में खासा मजाक का अंसर भी पैदा हो जाता है, क्योंकि उनमें से हर एक शख्स जो है वो ये दावा कर रहा होता है कि दरअसल उस मछली को उसी शख्स ने पकड़ा है और साथ ही तस्दीक के तौर पर वो उसके वज़न के मुतालिक भी बताता है और हर शख्स का बताया हुआ वज़न जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हत्ता कि उस सराय का जो मालिक होता है वो भी ये दावा करता है कि दरअसल उसके बचपन में उसने उसे पकड़ा था। और फिर जो मजाक का अंसर है कहानी के अंदर उसके आखिरी सीन में बिल्कुल ही अपनी पीक तक पहुंच जाता है, द लास्ट सीन टेक्स ह्यूमर टू द पीक, यानी अपनी इंतहा को पहुंच जाता है और उसमें क्या होता है, इट बिकम्स एन ओपन सीक्रेट, ट्राउट इज़ मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये राज सबके सामने अफशा हो जाता है कि दरअसल वो जो मछली थी उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया था और वो सचमुच की मछली ही नहीं थी। और इससे क्या बात साबित होती है कि ऑल द स्टोरीज अबाउट द फिश वर जस्ट फॉल्स, तो उस मछली से मुतालिक जो कहानियाँ गढ़ी गई थी वो सारी की सारी झूठी थी। तो मुसन्निफ और उसके दोस्त के हैरत और तजस्सुस से भरे हुए जो जज्बात होते हैं उनका इख्तिताम जो है वो बड़े ही मज़ाक़ खेज अंदाज में होता है। तो लिहाजा इससे बात साबित होती है कि जेरोम के जेरोम ने
कहानी द स्टफ्ड ट्राउट में बड़ी ही महारत के साथ सेंटिमेंट को ह्यूमर के साथ कंबाइन किया है, यानी जज्बात को मजाक के साथ मिलाकर पेश किया है। तो ये थे द स्टोरी द स्टफ्ड ट्राउट से मुतालिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।